जो सीज़फ़ायर वायलेशंस होते हैं इंटेंशनल, वो कहीं ना कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार हैं हमारे जो सोल्जर्स और जो बॉर्डर पर रहते हैं? एब्सोल्युटली, आई डोंट थिंक सो कि कोई और रीज़न है, बिकॉज अल्टीमेटली सबसे ख़राब चीज़ है कि जब आप अपने देश अपनी धरती में मरते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ना तो कोई ऐसी वॉर है, जब कोई दूसरा देश आपको सीज़ फायर वायलेशन करता है और अंदर घुस के गलत तरीके से आपको मारता है, तो इससे बड़ा आई थिंक दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है। एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर ज़रूर लेने चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है कि बिना वॉर हुए भी आप अगर अपने सैनिकों की और अपने जवानों की जान लोगों की ज़िंदगी जारी है इस देश के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत बुरा लगता है। और मेरे को ही नहीं, मेरे को आई एम श्योर कि पूरे सारे देश को बुरा लगता होगा। तो अल्टीमेटली कई बार आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्लाई देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोगों ने आई थिंक सर्जिकल स्ट्राइक को पोलिटिसाइज़ किया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत गलत था,